वात रोग के विषय में लोगों में तरह तरह की अवधारणाएं हैं और ये अवधारणाएं उनके इलाज में एक तरह की दिक्कत पैदा करती है। इस वीडियो सीरीज़ में हम इन अवधारणाओं के बारे में जानेंगे और इस जो फैक्ट्स है, जो इन वात रोग के बारे में जो फैक्ट्स है वो हम इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। वात रोग उम्र देख के नहीं होता, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। वात रोग तरह तरह के होते हैं और अलग अलग उम्र के पड़ाव में अलग अलग तरह के वात रोग हो सकते हैं। जैसे बच्चों में कुछ वात रोग होते हैं जिसे हम लोग जुवेनाइल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस ये कहते हैं। युवा अवस्था में जो वात रोग होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह के वात रोग युवा अवस्था में ज़्यादा देखे जाते हैं। वृद्धावस्था में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट, इस तरह के जो वात रोग है वो साधारणतः पाए जाते हैं। गठिया केवल दो तीन प्रकार के होते हैं, यह एक साधारण अवधारणा लोगों में है। मॉडर्न साइंस में 100 से भी ज़्यादा तरह के वात रोग पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, SLE, वैस्कुलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, ये कुछ साधारणतः पाए जाने वाले वात रोग है। मॉडर्न साइंस में 100 से भी ज़्यादा तरह के वात रोग है जिनका इलाज हम लोग करते हैं। वात रोग का इलाज संभव नहीं है, ये एक बहुत साधारण अवधारणा है जो कई मरीज मुझे आके कहते हैं या बताते हैं कि इसका इलाज संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मॉडर्न साइंस में बहुत प्रगति की है जिससे इसका इलाज संभव है। कई तरह की नई दवाएं आ गई है जिससे वात रोग का इलाज किया जा सकता है। वात रोग से होने वाले जॉइंट्स पे जो दुष्परिणाम होते हैं जिसे हम लोग डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं उसे रोका जा सकता है और इन दवाओं के द्वारा पेशेंट अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है। हमें समझना होगा वात रोग जो है जैसे दूसरी बीमारियाँ है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, बिल्कुल उनकी तरह ही है। जैसे हम लोग उनका इलाज करते हैं और दवाओं से कंट्रोल करते हैं, उसी तरह ये वात रोग को भी हम दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं।